बाकी जो मेथड था कीपा डाटा में प्रोडक्ट फाइंडर वाला, वो हम उसको देख चुके हैं। आज का जो होगा वो कीपा की डील्स वाला सेक्शन होगा, जिसको हम यूज़ करके अपनी जो प्रॉफिटेबल या मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होंगे वो हम उससे फाइंड करेंगे। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम हीलियम को यूज़ करके ब्लैक ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हुए हम प्रोडक्ट्स को फाइंड करेंगे। इसके अलावा एक थोड़ी सी रिवीजन होगी इसकी, जो हमने लास्ट सेशन किया था सेलर स्क्रैपिंग का, कि उसका थोड़ा सा एक और मेथड भी है, वो भी हम उसको नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। और प्रोडक्ट हंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों ने नहीं करनी है प्रैक्टिस तो आपकी मर्ज़ी है, ना करें। ठीक है, तो कीपा डील्स को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कीपा लॉगिन कर लिया है अपना, मैं मार्केट प्लेस यूके ही सिलेक्ट किया है। और जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है। लास्ट टाइम हमने डाटा में जाके प्रोडक्ट फाइंडर को हम यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे हमने डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई किए थे अपना क्राइटेरिया इंसर्ट करने के बाद, और हमारे पास रिजल्ट आए थे डिफरेंट, जिनको हम देख के अपनी प्रोडक्ट्स निकाल रहे थे। ठीक है, आज का जो मेथड है वो है कीपा का जो डील्स वाला सेक्शन, आपको फर्स्ट पे स्टार्टिंग में डील्स नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो डील्स में जाएंगे, आपके पास जो है सबसे पहले एक इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपके पास सबसे पहले इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम पहले इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ टॉप पर आपको सबसे पहले जो है ये सारी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, जो अमेज़ोन के पेज पर जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो सारी यहाँ पर लिस्टेड हैं। अगर आप किसी एक को सिलेक्ट करना चाहें तो आप वहाँ पर क्लिक करके, जब आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसी कैटेगरी की ही आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे। यहाँ पर कोई कैटेगरी सिलेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर आपको सारी मिक्सड अप हुई हुई हैं प्रोडक्ट्स, हर कैटेगरी की यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, उसके अलावा साइड बार में आपको कुछ कॉलम्स और फिल्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहले जो है फर्स्ट में है व्यू एज का ऑप्शन, जिसमें आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं वो किस फॉर्मेट में नज़र आएंगी। तो यहाँ पर एक टेबल वाला ऑप्शन है, और एक ये प्रोडक्ट के बॉक्सेस हैं। यहाँ पर आपको हर प्रोडक्ट एक बॉक्स में नज़र आ रही है, और यहाँ पर आपको एक बॉटम राइट पे आपको एक अमेज़ोन का लिंक नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अमेज़ोन के पेज पर ले जाएगा। ठीक है, मार्केट प्लेस, ओके। तो ये है प्रोडक्ट बॉक्सेस वाला आपके पास व्यू नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर आप इसको टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक टेबल की फॉर्म में सारी प्रोडक्ट्स शो करवाएगा, जिसके अंदर जिस तरह हमने लास्ट टाइम डाटा फाइंडर में किया था, जब प्रोडक्ट्स सामने आ जाती थी तो एक टेबल की फॉर्म में उसको सारी प्रोडक्ट्स वो में दिखा रहा होता था। और इस टेबल के अंदर जो है सारा उसका जो भी रिजल्ट्स होते हैं या स्टैट्स होते हैं वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर 90 डेज एवरेज है, 7 डेज है, 30 डेज है, करंट है, तो यहाँ पर ही आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब पहले देख लेते हैं कि कीपा डील्स बेसिकली है क्या, और ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। डील्स बेसिकली, ये जब अमेज़ोन के पेज पर डिफरेंट डील्स चल रही होती हैं और उनमें प्राइवेट लेबल्स भी होते हैं, और कुछ जो दूसरी जनरल होती हैं जैसे होलसेल की हैं या ड्रॉप शिपिंग की हैं, वो वाली इसमें लिस्टिंग भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, कीपर डील्स में हम करते क्या है, हम बेसिकली ड्रॉप को हम इसमें कंसीडर कर रहे होते हैं। जो प्राइस ड्रॉप आ रहा होता है, जो उसका सेल्स रैंक ड्रॉप हुआ होता है, हम उसकी बेस पर जाकर हम अपनी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो भी प्रोडक्ट होती है उसका सेल्स रैंक वो एक एवरेज टाइम के लिहाज से वो तो कम होना स्टार्ट हो जाता है, जितनी ज़्यादा उसकी सेल्स बढ़ती जाती हैं। अब जैसे ये वाला हमारे पास टाइम पेंडेमिक चल रही है, कोविड पेंडेमिक है, तो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी सेल बहुत ज़्यादा हुई है। तो जब सेल ज़्यादा हुई है तो उनका जो BSR है या सेल्स रैंक है वो ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो अब उस ड्रॉप की बेस पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे, हम उनको देखेंगे। या फिर प्राइस ड्रॉप भी होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, तो हम उस प्राइस को भी कंसिडर कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से ये जो है काम करता है। अगर आप यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज यहाँ पर नज़र आ रही है 28%, और ये साथ एरो जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 28% ड्रॉप आया है। और ये किस चीज़ का ड्रॉप आया है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन में सिर्फ ड्रॉप नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज नज़र आएगी। तो अभी हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले व्यू एस था, वो मैंने आपको बता दिया है। क्या रिपीट करना कह रहे हैं आप? सबसे पहले इसका व्यू था वो हम मैंने आपको बता दिया है। टेबल वाला व्यू है, टेबल में आपको इस तरह से टेबल की फॉर्म में आपको इसका कंप्लीट डाटा नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर कॉलम्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो हमने लास्ट टाइम प्रोडक्ट फाइंडर में देखा था। आपको कुछ कॉलम्स देखने हैं, जो नहीं देखने हैं तो वो वहाँ से आप इसको यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एडल्ट प्रोडक्ट्स हैं आपको नहीं देखने हैं तो आप इसको अनचेक कर देंगे। अमेज़ोन का वन डे ड्रॉप कितना है आप वो देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, तो इसी तरह से बाकी सारे फिल्टर्स हैं इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद है डील की टाइप। यहाँ पर जो डील्स आ रही हैं आपके सामने, तो आप किस टाइप की डील्स को देखना चाहते हैं? यहाँ पर आपको अमेज़ोन की डील्स नज़र आएंगी न्यू। अब जो हम सेलिंग करेंगे वो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो न्यू फॉर्म में होंगी, न्यू कंडीशन होगी उनकी। यहाँ पर ये कंडीशन आ रही है न्यू है, यूज्ड है। इसके अलावा अगर आप सेल्स रैंक की बेस पर डील देखना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और इसी तरह से बाकी चीज़ें। तो इसको हम न्यू पे रहने देंगे। अगर हम इसको अमेज़ोन सेलेक्ट कर लेंगे तो सारी प्रोडक्ट्स वो आएंगी जिनमें अमेज़ोन इन स्टॉक होगा या अमेज़ोन सेलिंग कर रहा होगा। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट्स को नहीं देखना, तो इसलिए हम इसको न्यू पे ही करेंगे। ठीक है, और उसके बाद है लिमिट ड्रॉप इंटरवल। अब ड्रॉप इंटरवल आप कितना देखना चाह रहे हैं? अब जब हमने हंटिंग स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हम इसमें वैलिडेशन करते हैं, जो भी एनालिसिस होता है हमारा, वो सारा 90 डेज़ की बेसिस पे होता है। तो हम उसको 90 डेज़ पर ही देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 3 मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो हम ड्रॉप देखना चाहते हैं या जो हम सेल्स रैंक या परसेंटेज चेक करेंगे, वो सारी 90 डेज़ की बेस पर होगी। ठीक है, उसके बाद कुछ रेंजेस हैं। जैसे हम ड्रॉप कितना देखना चाहते हैं, हमारे पास मिनिमम ड्रॉप कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो इसको मैं मैक्सिमम 100% और मिनिमम लेट से 10%, 10 to 100% जितना भी ड्रॉप हुआ है वो सारी यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है आपकी ड्रॉप की रेंज क्या है, प्राइस रेंज। अगर इसको आपने प्राइस का लगाया हुआ है तो इसको फ़िलहाल मैं नहीं करूँगा। और प्राइस रेंज अभी यहाँ पर ये ड्रॉप नहीं पूछ रहा है, ये आपकी प्राइस रेंज पूछ रहा है। जिस तरह से हम हंटिंग उसमें डाटा फाइंडर में हमने लिमिट लगाई थी कि मिनिमम 15 हो उसकी प्राइस और मैक्सिमम वो 40 या 50 तक हो, तो ये वो चीज़ पूछ रहा है। यहाँ पर हम इसको लेट से 20 कर लेते हैं, 18 से ठीक है। ये एक मेरे पास रेंज सिलेक्ट हो गई है 18 to 53। ठीक है, उसके बाद है सेलर रैंक। सेल्स रैंक हम यहाँ पर वही अपना जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, क्योंकि हम यूके में हैं इस वक्त, तो यहाँ पर 50,000 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सेल्स रैंक हो गया। उसके बाद है रेटिंग, मिनिमम रेटिंग आपको कितनी चाहिए। यहाँ पर हम इसमें 3.5 स्टार कंसिडर करते थे, या हम इसको 4 4 स्टार पर ले जाएंगे, या फिर इसको 5 पर हम लेकर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ एडिशनल फिल्टर्स आ जाते हैं, अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं। जैसे फिल्टर अलर्टाइज आइटम्स हैं तो इसको हम सिलेक्ट ही रखेंगे। इसके अलावा मस्ट हैव रिव्यूज़, कुछ ना कुछ रिव्यूज़ होने चाहिए, और नो अमेज़ॉन ऑफ़र होनी चाहिए, और लोएस्ट एवर या लोएस्ट न्यू ऑफ़र। आप इनको भी अगर सिलेक्ट करना चाहें तो आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से इसको कर सकते हैं। उसके बाद सॉर्ट बाय, यहाँ पर परसेंटेज है, ड्रॉप है, प्राइस है, न्यूएस्ट है और सेल्स रैंक है। तो
यहाँ पर हम सेल्स रैंक कंसीडर कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे वो फिल्टर होके आएंगी सेल्स रैंक के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर क्राइटेरिया इंसर्ट कर दिया हुआ है, और इस क्राइटेरिया की बेस पर ये अब ये जो जो भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो इस क्राइटेरिया पर आ रही हैं। ठीक है, जिनकी रेटिंग मिनिमम लेट्स से 4 स्टार है और इनका BSR इसके बिटवीन है, और यहाँ पर जो डील्स हैं वो सेल्स रैंक के ड्रॉप पर आ रही हैं, और वो ड्रॉप कितना होगा वो 10 to 90% या 10 to 100% के बिटवीन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अभी हमने इन प्रोडक्ट्स को चेक करना है और उनको वैलिडेट करना है, अगर कोई प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पर आती है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप जब ये आप लोग ये सब फिल्टर्स लगा लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ से एक पर्टिकुलर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, और वो कैटेगरी जो आपको रिकमेंड की गई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस वक्त पेट सप्लाईज को यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा, मैं यहाँ पर इसका ड्रॉप 20% कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जिनमें से अब हम कोई भी एक रैंडमली पिक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ है कि आपको कुछ चीज़ें जैसे हम प्रोडक्ट फाइंडर में अप्लाई कर देते थे तो हमारे पास आते ही नहीं थी, जैसे वेरिएशन का फिल्टर था, जैसे हमारे पास सेलर्स का फिल्टर था, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आएगी। अब जैसे ये वाली प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर इसके अंदर आपको 3 वेरिएशंस नज़र आ रही हैं, तो वेरिएशन ये अब डिपेंड करता है आपके जो क्लाइंट होगा, या अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपके बजट के हिसाब से, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 3 वेरिएशन एक ही प्रोडक्ट की तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। वेरिएशंस में क्या होता है, जितनी आपकी वेरिएशंस हैं आपको हर वेरिएशन को अलग से वैलिडेट करना पड़ता है, हर वेरिएशन को आपको कंप्लीट उसके स्टैट्स वगैरह और सेल्स हर चीज़ वहाँ पर आपको अलग अलग वेरिएशन की दोबारा से कंसिडर करनी पड़ती है, तो इस वजह से हम वेरिएशन से अवॉइड करते हैं। चलिए, अभी के लिए हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है कैटमेट, इसका ब्रांड है, और मिल ऑटोमेटिक पेट फीडर है बेसिकली, ये कैट्स के लिए या स्मॉल डॉग्स के लिए। अब इसमें आपको 2 सेलर्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त, और पहले चेक कर लेते हैं हम इन सेलर्स में ब्रांड खुद ना हो। ठीक है, अभी इस वक्त ब्रांड खुद सेल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है आप इसको FBA कर सकते हैं जाके, आप अगर इसको हो आपको इसका स्टॉक मिल जाता है अप्रूवल लेने के बाद तो आप इसको सेल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको बाकी चीज़ें इसकी जो है हम चेक कर लेते हैं अभी। अभी एक और चीज़ यहाँ पर जो वीक पॉइंट है, इसको अभी 3 मंथ्स भी नहीं हुए हैं लिस्टिंग को लाइव हुए हुए, और
ऐसे ही हम उसमें लिस्टिंग में जाते नहीं, इसके जो रिव्यूज़ हैं वो भी आपको 8 रेटिंग्स नज़र आ रही हैं, सिर्फ इस पे 8 रिव्यूज़ हैं और रेटिंग अच्छी है 4.5, लेकिन रिव्यूज़ कम हैं। मिनिमम मिनिमम भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एटलीस्ट 20 रिव्यूज़ होने चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ इसमें ये वीक पॉइंट आ गया है कि इसके रिव्यूज़ नहीं हैं और इसको अभी 3 मंथ्स भी नहीं हुए हैं, तो 3 मंथ्स से कम पे तो हम उसको वैलिडेट भी नहीं कर सकते हैं, और हमारा जो क्राइटेरिया है एटलीस्ट वो 1 साल पुरानी लिस्टिंग होनी चाहिए। तो एक और हम लिस्टिंग यहाँ से देख लेते हैं कोई। आप लोगों ने कीपा ले लिया हुआ है? एक रमीश साहब का तो लैपटॉप खराब है। जैसे मैंने एक ये वाली लिस्टिंग ओपन की है तो इसमें कुछ ज़्यादा ही वेरिएशन हैं। सबसे ज़्यादा इसमें कलर वेरिएशन आ रही हैं और उसके अलावा इसके साइज़ की वेरिएशन हैं, और इसमें सेलर्स भी सिर्फ 2 हैं। तो एक और लिस्टिंग देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर अच्छा, मैंने एक ये लिस्टिंग ओपन की है यहाँ पे जो बेसिकली मिल्क रिप्लेसर है पेट्स के लिए, तो इसमें 2 सेलर्स हैं और इसमें एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, इसमें आपको बाय बॉक्स नहीं दिख रहा होगा, ऐड टू कार्ट या बाय नाउ या परचेजिंग का इसका आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, किसी को है कुछ पता? आप बल्कि पीएल करके आए, आपको पता होगा ये किस सिनेरियो में ऐसा होता है कि आपके पास बाय बॉक्स सप्रेस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बाय बॉक्स इसका यहाँ पर है और दूसरा न्यू सेलिंग यहाँ पर हुई है 97 पे, और यहाँ पर इसका बाय बॉक्स जो है वो एकदम से 27 पे आ गया। न्यू की मैं बात कर रहा हूँ, जो न्यू सेलर है यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 97 है, तो इस वजह से जो है ये ऐसा हो जाता है। ओके, तो ये एक लिस्टिंग मैंने ओपन किया है यहाँ पे, इसमें 2 सेलर्स हैं इस वक्त। इसका जो ब्रांड है वो बेस है, प्राइसेस आप कौन सी कह रही हैं? एक तो ये वाली प्राइस है और एक ये वाली प्राइस है। होलसेल प्राइस नहीं है ये, रिटेल प्राइस है जिस पर ये सेल हो रही है। होलसेल प्राइस जो होगी वो आपको ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या उसका जो सप्लायर होगा वहाँ से मिलेगी, जिस पर आप परचेजिंग करेंगे, जिस पर सेल करेंगे वो रिटेल प्राइस है। ओके, इसमें 2 सेलर्स हैं इस वक्त, एक जो है अमेज़ोन है और दूसरा एक ग्रूमर्स लिमिटेड है, और दोनों की कंडीशन न्यू पे सेल हो रही है, तो हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं।
अच्छा, इसका जो अब सेल्स रैंक है वो नॉर्मल है। अगर हम 3 मंथ्स पे एनालाइज करें इसको, 3 मंथ्स का जो सेल्स रैंक है वो कंसीडरेबल है। लेकिन अगर हम इसको बाकी इसके स्टैट्स चेक करते हैं, जैसे 1 ईयर पे या ऑल टाइम में जाकर देखें, तो इसका ऑल टाइम ही इसी तरह से चल रहा है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, फिर ये एकदम से बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। तो इस केस में हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसका जो बाय बॉक्स है वो कंटिन्यूसली अनअवेलेबल है, सिर्फ यहाँ पर कुछ टाइम में। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा इसका ग्राफ, अदरवाइज ये पीछे ड्रॉप हुआ हुआ है। और इसकी अगर रोटेशन देखें, इसमें इस वक्त पे सिर्फ 2 सेलर्स हैं, तो पॉसिबल है कि पिछले टाइम में यहाँ पर मल्टीपल सेलर्स हों, तो उनके पास बाय बॉक्स या इन दो में से भी किसी एक के पास सेल्स जा रही है, या दोनों के पास डिवाइड हो रही है। यहाँ पर दोनों के पास जो है इस वक्त सेल्स जा रही है, लेकिन जो ज़्यादा सेल्स हैं वो अमेजोन के पास हैं। और इसी वजह से हम रेकमेंड करते हैं कि अमेजोन जिस भी लिस्टिंग में होगा हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सेल्स दूसरे के पास जाने ही नहीं देता है। ठीक है। और इसके अगर हम सेल्स चेक करते हैं, क्योंकि पेट सप्लाईज इसकी कैटेगरी है, तो इसकी सेल्स चाहे BSR इसका 35,000 के करीब है, लेकिन फिर भी इसकी सेल जो है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अच्छी ही होंगी। सेल इसकी बहुत ज़्यादा लो हैं, सिर्फ 30 सेल्स यहाँ पर दिखा रहा है ये। और अगर आप इस पर जंगल स्काउट चलाएंगे तो उसकी सेल्स भी ऐसी ही आएंगी, आपके पास 30 के अराउंड ही कुछ होंगी, या 2-4 ऊपर नीचे होंगी, अदरवाइज ये सेम ही होती है ऑलमोस्ट इनकी। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से इसकी पर डील्स का जो सेशन है इसको यूज़ करेंगे, और अपनी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं।